हेलो मेरे देसी चटोरों, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं कच्ची कैरी का छुंदा, जो बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनता है। ये एक गुजराती अचार है जो हम पूरे साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। छुंदा बनाने के लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे, उसमें हमने 5 कच्चे आम लिए हैं, ये लगभग 1.5 kg हैं। हमें सबसे पहले कैरियों को बहुत अच्छे से धो के और पोंछ लेना है और फिर इसका छिलका उतारना है। अब हम एक एक करके सभी कैरियों को ग्रेट कर लेंगे। हमने सारी कैरियों के लच्छे बना लिए हैं। हमने थोड़े बड़े बड़े लच्छे बनाए हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, नमक और चीनी डालेंगे। 1.5 kg हमने कैरी ली थी, तो 1.5 kg ही हम इसमें चीनी डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, कैरियों ने भी थोड़ा पानी छोड़ा है। अब हम इसे ढककर रूम टेम्परेचर पे 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। हम अभी से इसे धूप में नहीं रखेंगे, नहीं तो चीनी का क्रिस्टल बन जाएगा। बारह घंटे हो चुके हैं हमारे छुंदे को, अब हम इसे धूप में रख देंगे। कोई मसलिन क्लोथ से हम इसे कवर कर देंगे या कोई भी कॉटन क्लोथ हो जो बहुत पतला हो, जिसमें से धूप अंदर जा सके। हमें यही प्रोसीजर 2-3 दिन तक करना है। रात को हम इसे रूम में रख लेंगे और दिन में इसे हम धूप में रख देंगे। अगर धूप कम है तो इसे 3-4 दिन तक भी रखना पड़ सकता है। हमें ये तब तक रखना है जब तक कि एक तार की चाशनी ना हो जाए। तीन दिन में ही हमारा छुंदा रेडी हो चुका है। चीनी की एक तार की चाशनी भी बन चुकी है, ये गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे।
हमारे छुंदे में मिर्च अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे। इसे हम एक साल तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।